जैसे भारत ने एमडीसीआर का सदस्य बना, उसके एक हफ्ता बाद भारत ने 650 किलोमीटर मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कैसे कर दिया। मीडिया वालों को ऐसा बात पहले से पता रहता ना, यह देखिए हमारे चैनल पर। लाल सागर से निकली हुई मिसाइलों ने पूरा गेम पलट दिया। जो सीरिया सरकार हार रही थी, आज सीरिया सरकार अपना देश बचा ली है और अमेरिका को वहां से भागना पड़ गया। वह मिसाइल जिरकन थी। भारत उस मिसाइल को भारत में बना लिया है, जिसका नाम ब्रह्मोस 2 है। होमी जहांगीर भाभा सबसे खतरनाक वैज्ञानिक थे, उनको मरवा दिया अमेरिका, उनको मरवा दिया, जानबूझ के उनके जहाज क्रैश करा दिया, मरवा दिया सब उनको। आगे देखते हैं। तो भारत के पास बड़ी मिसाइलें थी, अग्नि थी, पृथ्वी थी, त्रिशूल थी, बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल। और जबकि एपीजे अब्दुल कलाम अपने जीवन काल में ही कहे थे कि बड़ी मिसाइलें शोपीस बन के रह जाती है, और एक अक्षरशः बात सही थी। एक को बड़ी मिसाइल रूस ने नहीं चलाया, एक को चलाया है नहीं। रीजन क्या है कि आपका झगड़ा आपके पड़ोस वालों से होगा। अभी बताओ, कोई आदमी बेंगलोर में रहता होगा, पटना के आदमी से झगड़ा क्या होगा? होगा। अब भारत को बताइए, नॉर्वे से झगड़ा होगा? भारत को अर्जेंटीना से झगड़ा होने जाएगा? भारत को अगल बगल वालों से होगा, पाकिस्तान और किससे? चीन। तो अब्दुल कलाम ने कहा था कि छोटी मिसाइलों पर ध्यान देना चाहिए, और एपीजे अब्दुल कलाम अंतरिक्ष सेक्टर के ज्यादा जानकार थे, इसलिए उन्होंने जितनी मिसाइलें बनाई थी बैलिस्टिक मिसाइल थी, बहुत लंबी लंबी दूर मार्क करने के। लेकिन पास की भी मिसाइलों की युद्ध में बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, इसलिए रूस से भारत ने क्या कर लिया, समझौता किया, और ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का तय हुआ। लेकिन रूस एमटीसीआर का सदस्य था और भारत एमटीसीआर का सदस्य नहीं था, इसलिए भारत और रूस ने जब 1999 में जब ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का समझौता किए, तो उस समय ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर रखी गई थी। समझ में आया क्यों? 300 किलोमीटर से ज्यादा के मारक क्षमता नहीं हो सकती। लेकिन जैसे भारत ने एमटीसीआर का सदस्य बना, उसके एक हफ्ता बाद भारत ने 650 किलोमीटर मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कैसे कर दिया। मैंने एक हफ्ता मिसाइल बन गया होगा नहीं। इसलिए शरीफ मत समझिएगा, भारत को भी ऐसा ऐसा चीज है सेना में जिसको अगर बता दिया जाए तो पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। लेकिन चूंकि ज्यादा आगे बढ़ने के बाद इंसान की अपनी जिम्मेदारी भी बनती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम भारतीय मीडिया के तो है नहीं कि अपना चैनल चमकाने के लिए देश बेच दे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें, ब्रह्मोस एनजी है, ब्रह्मोस एस वर्जन है, जो भारत परीक्षण करके सब कुछ करके रख चुका है, लेकिन बताया ही नहीं है, वो सरप्राइज अटैक मारेगा वहां पर। समझ में गया? अब आप अपने अंदाजा लगाइए कि जिस देश को एक हफ्ता पहले एमटीसीआर का सदस्य बनाया गया हो और कहा गया कि ठीक है अब आप 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की भी मिसाइल रख सकते हैं, वो एक हफ्ता में परीक्षण कैसे कर दिया? एक हफ्ता में जो आपका एक हफ्ता में को चौक बढ़िया घर एक कमरा का मकान नहीं बन पाता, मिसाइल बना देंगे? नहीं ना। पहले से क्या चल रही थी? तैयारी पूरी थी, बस इंतजार था किसका? कार्ड छपाने का। कार्ड छपाया, विदाई हो गया। समझ में आ गया कि नहीं गया? इसलिए आप उतना ही जानिए जितना जानने से आपको अपने देश के प्रति गौरव महसूस हो, इतना मत जान लीजिए कि उसके जानने से दूसरे सतर्क हो जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब वही मीडिया वालों को ऐसा बात पहले से पता रहता ना, यह देखिए हमारे चैनल पर। यहां पर बिस्कन्या सब एकदम लगेगी, सब न्यूज चैनल वाला सब देश बेच दिया, सब उल्टा सीधा काम करके पूरा देश बेच दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब ध्यान से देखते हैं। अब भारत कितने भी क्षमता का मिसाइल बना सकता और उन 35 देशों को कितनी भी लंबी दूरी की मिसाइलें बेच सकता, और वो 35 देश आपस में कितनों बड़का खतरनाक मिसाइल खरीद के रख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? लेकिन भारत ने जब फिलीपीन को मिसाइल बेचा है तो क्या फिलीपीन को 300 से ज्यादा वाला बेच सकता है? नहीं। तो भारत का जितना पुरनका मिसाइल हुआ था 290 वाला धकाधक सब बेच दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये हम पिछले एक साल से चिल्लाते आ रहे थे कि भारत ईएमआई पर मिसाइल बेच दे। अब अगर आप पीछे वीडियो देखते होंगे तो हमेशा से ये बोल रहे थे, और हुआ भी यही। फिलीपीन को भारत ने लोन पर मिसाइल दिया, ले जो पैसा बाद में दियो। डबल फायदा, एगो चाइना का सरदर्द बना रहेगा और दूसरा भारत का पुरनका मिसाइल निकल जाएगा। अब एमटीसीआर का सदस्य बनने के कारण भारत एक बहुत खतरनाक मिसाइल बना रहा है।
इतना खतरनाक कि आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका जो है सीरिया में लड़ाई लड़ रहा था, ये जगह है सीरिया, सीरिया में लड़ाई लड़ रहा था, अचानक लाल सागर से कुछ मिसाइलें निकलती हैं और वो सीधे सीरिया में प्रवेश कर जाती हैं, और सीरिया में प्रवेश करती हैं और वह मिसाइलें जो हैं वो 600 किलोमीटर दूर से निकलती हैं और पूरी दुनिया देखते रह जाती है, उन मिसाइलों को कोई रोक नहीं पाता है, और मिसाइल सीरिया में प्रवेश करके सीरिया विद्रोही वालों के पूरे अड्डे को उजाड़ देती है। सीरिया में जो सरकार है वो रूस का फेवर की है, और वह सरकार गिरने ही वाली थी कि लाल सागर से निकली हुई मिसाइलों ने पूरा गेम पलट दिया। जो सीरिया सरकार हार रही थी, आज सीरिया सरकार अपना देश बचा ली है और अमेरिका को वहां से भागना पड़ गया। वह मिसाइल जिरकन थी, भारत उस मिसाइल को भारत में बना लिया है जिसका नाम ब्रह्मोस 2 है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और इतना खतरनाक, चाइना को बस एक चीज से डर है, किसे? हाँ, लाल सागर में कहां से निकला था किसी को नहीं पता, लाल सागर पनडुब्बी के नीचे से मार दिया, वहां से नेवी की सिप लगी थी, पनडुब्बी से नहीं मारा था। रूस अपना नौसेनी का सिप कहां भेजा? यहां पर, और यहां खड़ा करके मारा एक और सीरिया उदिया गया, नेवी के सिप से मारा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डुबा दिया जिसको, मॉस्कोवा, यूक्रेन जिस सिपवा को मार के डुबा दिया, मॉस्कोवा मारा था उसी से वहां पे। मिसाइल बहुत खतरनाक, सिप तो केवल ट्रांसपोर्ट का काम करती है ना, उस पर हथियार कौन सा रखे इस बात पर डिपेंड करता है। एक गलती हुई थी, मॉस्कोवा सिप नहीं डूबा रहता अगर रूस ने अपना सैप सिस्टम चालू कर दिया रहता, तब सैप सिस्टम जो होता है मिसाइलों से जहाजों को बचा लेता है वहां पे। लेकिन जानते हैं ना, बड़े बड़े लोगों से भी गलती हो जाती है, उसको लगा छटका देश क्या कर लेगा यहां पर। आगे बढ़ जाए, मारा क्यों था? अमेरिका यहां पे सरकार गिराना चाहता था और उस सरकार को बचाना कौन चाहती थी? रूस। अमेरिका का अगर आप साथ नहीं दीजिएगा तो अमेरिका आपकी सरकार को गिरा देगा, हमेशा क्या कर देगा? गिरा देगा आपको। ये बहुत खचरा है अमेरिका, इस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हम हमेशा एक चीज देखता, ये गोरखा सब पे हम कभी भरोसा नहीं करते। अरे वो इंडिया में गोरा वाला नहीं, इंडिया में गोरा काला तो कितनों गोर रहेगा, काले काला आएगा। वो जो होता है सब छीलल मुर्गा वाला अंग्रेजवा, इसे जो खचरा होता है सब यहाँ पर। MTCR समझ में आ गया? अभी बताओ, भारत 35 देश आपस में कितना भी खतरनाक मिसाइल को बना सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन जो MTCR का सदस्य नहीं है वो वही 300 से नीचे पड़ल रही है, जैसे चाइना, जैसे पाकिस्तान। पाकिस्तान चाइना से कहता हमरो खतरनाक हथियार देना, तो होता है MTCR का सदस्य नहीं है, बैन लग जाएगा।